अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर HVACR से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुनक्किद है। इसी सिलसिले में हम आज एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं जो कि HVACR से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनकी कंपनी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये HVACR से रिलेटेड इनकी मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमारी सर कंपनी का नाम है जी एस फजल इलाही एंड सन्स। हम लाहौर में ब्रांच रोड बेस्ड हैं और हमारी कंपनी 1981 से एस्टेब्लिश्ड है। हम बेसिकली काफ़ी कंपनीज के पाकिस्तान में एजेंट हैं। हम वो मटेरियल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं और उनको सेल करते हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरर भी है एल्युमिनियम पाइप का, जिसका पर्पज़ होता है कि इनडोर एसी और आउटडोर एसी के बीच में एक पाइप लगा होता है जो हम पाकिस्तान के अंदर अब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमारी बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं, एक तो हम डक्टिंग इंसुलेशन और उसके एक्सेसरीज में डील कर रहे हैं और हम एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन पार्ट्स में डील कर रहे हैं। सर मुझे बताएं, डक्टिंग और इंसुलेशन का आपने बताया, जो बेसिकली आप मटेरियल प्रोवाइडर हैं या इंसुलेशन करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दें। हम इंसुलेशन करते नहीं हैं लेकिन हम इंसुलेशन बेचते हैं। सप्लायर हैं और हम इन कंपनियों के पाकिस्तान में एजेंट हैं। हम जिन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एक कंपनी है कनॉफ इंसुलेशन। ये जर्मन कंपनी है जो इंसुलेशन बनाती है और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ग्लास वूल मैन्युफैक्चरर है। अगर आप इनकी इंसुलेशन को देखेंगे तो ये इसमें इच प्रूफ है, इसमें खारिश नहीं होती और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती है, जैसे कुछ स्टूडियोज वगैरह बनती हैं या घर में आपने सिनेमा बनाना है उसकी साउंड प्रूफिंग के लिए या डक्टिंग के ऊपर। ये हीट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है और साउंड रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है और ये फायर प्रूफ होती है। दूसरा जो हम ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है अफीको। ये अमेरिकन कंपनी सऊदी बेस्ड है। इसकी हम जो है ये इंसुलेशन जो है इसके भी एजेंट हैं पाकिस्तान में, तो इसका भी यही पर्पज है। तीसरी जो हम इंसुलेशन का आइटम इसको हम ग्लास वूल कहते हैं। तीसरे जो आइटम जिसको हम पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है थर्मोब्रिक। ये जो प्रोडक्ट है ये अब लेटेस्ट ग्लास वूल से आगे की टेक्नोलॉजी है। इसको हम कहते हैं पॉलीओलिफिन इंसुलेशन। ये फाइबर फ्री होती है, इच फ्री होती है और इसकी ज़रा लाइफ जो है ग्लास वूल से थोड़ी बेहतर है। इसकी थिकनेस भी कम यूज़ होती है, ग्लास वूल मिनिमम 1 इंच यूज होती है, ये 12 mm थिकनेस भी आप यूज कर सकते हैं और ये काम वही करेगी, सेम काम वही करती है। काम वही बेसिकली ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर होंगे, डिफरेंट इसमें जो हाई टेम्परेचर होती है वो भी आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है। रॉक वूल और इससे ऊपर एक होती है सिरेमिक वूल। इसमें ना 3 कैटेगरीज है इंसुलेशन की। सबसे जो बेसिक कैटेगरी होती है वो ग्लास वूल होती है, वो टेम्परेचर बेयर करती है 300 डिग्री तक। उससे ऊपर आती है रॉक वूल, वो टेम्परेचर बेयर करती है 600 डिग्री तक। और उससे ऊपर आती है सिरेमिक वूल, वो टेम्परेचर बेयर करती है 1250 डिग्री तक। तो हमारी जो कंपनी है ये अल्हम्दुलिल्लाह इंसुलेशन के अंदर पाकिस्तान में पॉइंटियर है और बहुत बड़ी रेंज हमारे पास इंसुलेशन की मौजूद है। और ये फैक्ट्री आपने कहाँ पे बनी है? ये इम्पोर्टेड है? सब इम्पोर्टेड है, सब मटेरियल इम्पोर्टेड है। इसमें जो रॉक वूल है वो पाकिस्तानी आइटम है, पाकिस्तान में बनती है। इसके अलावा इंसुलेशन जो है ना वो इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान में। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ एयर कंडीशनिंग के अलावा टूल्स वगैरह है और ये जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं ये किस ब्रांड से हैं? चाइना ब्रांड है या ये चाइना से इंपोर्टेड है? इसमें एक आइटम है जो मैं हमने ये पाकिस्तान में शुरू किया है जी, इसको हम कहते हैं एसी पाइप। इसका जो पर्पज़ होता है ना वो ये होता है कि आपका एक इंडोर लगा हुआ है, एक आउटडोर लगा हुआ है, उसके बीच में एक पाइप है। ये पाइप अब हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके नट से लेके इंसुलेशन सब कुछ पाकिस्तान में बन रहा है। ये पाकिस्तान में प्योरली लोकल मैन्युफैक्चर, ये लोकल मैन्युफैक्चर। जबरदस्त, अच्छी बात है कि हम लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट भी करें। कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये एक्चुअली ये ऐसी आइटम है जिसका एक अच्छा वॉल्यूम है जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छी वॉल्यूम वाली आइटम्स हैं उनको हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से अपनी रिव्यू का हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।